हाँ भाई, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट बिटवीन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो दो कंडीशन पॉसिबल है। अगर दो रूट हैं तो या तो दोनों रूट कॉमन हो जाएं, हाँ या ना, या फिर दोनों में से कोई एक रूट कॉमन हो। यही तो दो कंडीशन पॉसिबल हैं भाई, बोलो। मतलब थ्योरेटिकली अगर हम चलें तो हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हैं, a1x² + b1x + c1 = 0 एंड a2x² + b2x + c2 = 0। पहला केस हम ये ले रहे हैं, बोथ रूट्स आर कॉमन। अच्छा, अगर दोनों रूट कॉमन है तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट भी क्या है, अल्फा बीटा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट भी क्या है, अल्फा बीटा। अच्छा, जब रूट सेम है तो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम होंगी कि नहीं होंगी, बताओ। यस और अगर दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम होंगी तो हार्डली उसमें लैम्डा का डिफरेंस हो सकता है, बोलिए। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि a1/a2 का जो रेशियो होगा, b1/b2 का जो रेशियो होगा, c1/c2 का जो रेशियो होगा, वो सेम होगा कि नहीं, अगर दोनों रूट कॉमन है तो। क्या ये बात समझ पाए? अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट कॉमन है तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होगा कि नहीं, बोलो। यस क्योंकि दोनों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जब इक्वल होंगे तभी तो उनके सेम रूट आ पाएंगे, अल्फा अल्फा, अल्फा बीटा एंड अल्फा बीटा। बहुत ज्यादा क्या डिफरेंस होगा कि ये जो कोफिशेंट होंगे इनसे एक लैम्डा कॉमन आ जाएगा, हाँ या ना। क्यों? क्योंकि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 वही कांस्टेंट लैम्डा के बराबर होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यस तो अगर दोनों रूट कॉमन है तो कोफिशेंट का रेशियो सेम होगा, एक्स स्क्वायर कोफिशेंट, एक्स का कोफिशेंट और कांस्टेंट, तीनों के कोफिशेंट का रेशियो कैसा होगा, सेम। यानी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। क्या ये ठीक। कंडीशन समझ गए? अब आइए केस टू में, वन रूट इज कॉमन। अब एक रूट कॉमन है बट दूसरा रूट कॉमन नहीं है, तो इसकी कंडीशन क्या होगी? अब अगर एक रूट कॉमन है तो हम मान लेते हैं लेट अल्फा बी दी कॉमन रूट, अगर अल्फा वो कॉमन रूट है तो अल्फा दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, बताओ। सेटिस्फाई सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? अगर हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें। कैसे सब्ट्रैक्ट करें? इस इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर दें किसका, अल्फा, सॉरी ए टू का, और इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें ए वन का, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यहाँ से अल्फा के साथ क्या कॉमन आएगा, बताओ। b1 a2 - a1 b2, और यहाँ पे क्या आएगा, a2 c1 - c1 a2 a1 = 0। तो यहाँ से उस कॉमन रूट अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो भाई। c2 a1 - a2 c1 / b1 a2 - a2 a1 b2। क्या ये बात समझ पाए कैसे लिखा मैंने, बोलो, हाँ या ना। अरे बोलो यार, यस सर। क्या ये बात सब लोग समझ पाए कि कॉमन रूट कहाँ से आया? ये क्या हो गई, वैल्यू ऑफ कॉमन रूट। ये क्या हो गया भाई, वैल्यू ऑफ कॉमन रूट। क्या ये कहानी सब लोग समझ पा रहे हैं, कॉमन रूट की वैल्यू क्या हुई, बोलो। यस। गुड। अच्छा, हम इसी चीज को ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। अगर मैं पहली इक्वेशन लिखूं तो a1 α² + b1 α + c1 = 0,
दूसरी इक्वेशन लिखूं तो ए टू अल्फा स्क्वायर प्लस बी टू अल्फा प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ध्यान से सोचो, यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल है ये अल्फा स्क्वायर और एक वेरिएबल क्या है अल्फा, है कि नहीं। अब याद होगा आपने ये मेथड सॉल्व किया है कि नहीं, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। बोलिए भाई, ये मेथड सॉल्व करना सीखा है कि नहीं आपने, एक्स अपॉन बी वन बी टू सी वन सी टू माइनस वाई अपॉन ए वन ए टू सी वन सी टू, ये पढ़ा है कि नहीं बताओ। यस सर। और वन अपॉन ए वन ए टू एंड बी वन बी टू। बोलो भाई। नो सर, किसी ने नहीं पढ़ा है क्या? सर पढ़ा, नहीं सर पढ़ा, पढ़ा है सर, पढ़ा है, पढ़ा है, यस टेंथ में। दो इक्वेशन को साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड होता था ना ये, कि आप सीधा एक्स वाई ऐसे लिख लेते थे, याद आ रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो उसी पे सिंपलीफाई करके फिर आप अपना आंसर लिख देते थे। बोलो भाई। यस सर। सही लिखा है ना? उसके डिस्कशन में हम नहीं जा रहे। अब आइए, इसका यूज हम यहाँ कैसे करने वाले थे, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये तो साइमल्टेनियस इक्वेशन के हिसाब से हमने रिजल्ट बना लिया, अब इसको यहाँ यूज करते हैं। देखिए, थोड़ी देर के लिए ऐसे सोचो कि ये अल्फा स्क्वायर एक वेरिएबल है और अल्फा एक और अलग वेरिएबल है। सेम यहाँ अल्फा स्क्वायर एक वेरिएबल है और अल्फा एक अलग वेरिएबल है, तो क्या हम इसको एज अ एक्स, इसको एज अ वाई ट्रीट कर सकते हैं? बोलो। तो yes. क्या ये साइमल्टेनियस इक्वेशन कुछ इसी तरह की नजर आ रही है कि नहीं? अगर हम इसको एज अ एक्स, इसको एज अ वाई कह दें, इसको एज अ एक्स, इसको वाई कह दें, तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन कुछ इसी तरीके की नजर आ रही है कि नहीं, ये बताओ मुझे। यस सर। यस सर। तो इसके हिसाब से अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो क्या, अल्फा स्क्वायर अपॉन बी वन बी टू सी वन सी टू माइनस अल्फा अपॉन ए वन ए टू सी वन सी टू और वन अपॉन ए वन ए टू बी वन बी टू। हाँ या ना? बोलिए भाई। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, बोलो भाई, बी वन बी टू सी वन सी टू अपॉन ए वन ए टू बी वन बी टू। देखते जाइएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस ए वन ए टू सी वन सी टू अपॉन ए वन ए टू बी वन बी टू। बोलो भाई, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अब ये अल्फा की वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं, हाँ या ना? तो आएगा ए वन ए टू सी वन सी टू के डिटरमिनेंट का स्क्वायर अपॉन ए वन ए टू बी वन बी टू के डिटरमिनेंट का स्क्वायर इक्वल टू बी वन बी टू सी वन सी टू का डिटरमिनेंट अपॉन ए वन ए टू बी वन बी टू का डिटरमिनेंट। अच्छा, एक बी वन बी टू के डिटरमिनेंट से एक बी वन बी टू का डिटरमिनेंट कैंसिल होगा और यहाँ से रिजल्ट आएगा ए वन ए टू सी वन सी टू का स्क्वायर इक्वल टू ए वन ए टू बी वन बी टू इंटू बी वन बी टू सी वन सी टू का डिटरमिनेंट। ये कंडीशन आती है वन रूट कॉमन की। ये कंडीशन किसकी आ गई, वन कॉमन रूट की। और ये वैल्यू आ गई किसकी, कॉमन रूट की। ये वैल्यू किसकी आ गई, कॉमन रूट की। सर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट सेम बात है? नहीं, अलग अलग। ये कंडीशन क्या है, है कि नहीं? तो अब आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा कि ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इक्वल टू जीरो,
a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू जीरो, इन दोनों में वन रूट कॉमन है। तो अब दोनों इक्वेशन आप ऐसे लिख लेंगे, फिर कंडीशन लगाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाउंड्री वाले टर्म्स। तो बाउंड्री में टर्म्स क्या है? a1 a2 और c1 c2, इसका स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद एक तरफ से पेयर बनाना शुरू करेंगे। पहला पेयर a1 a2 b1 b2 का बनेगा और दूसरा पेयर किसका बन जाएगा? b1 b2 के साथ c1 c2। खत्म, ये कंडीशन हो गई। कंडीशन कैसे याद होगी, समझ में आया सबको? बोलो। यस सर। यस सर। सिंपल है, सबसे पहले दोनों इक्वेशन लिख लेंगे। वन रूट कॉमन की बात हो रही है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाउंड्री वाले a1 a2 c1 c2 उसका डिटरमिनेंट बना देंगे। इसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे a1 a2 b1 b2 और फिर b1 b2 c1 c2। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? हाँ या ना? क्लियर है? अच्छा, यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए वैल्यू ऑफ कॉमन रूट, यहीं पे आपसे क्या पूछा जाए? वैल्यू ऑफ कॉमन रूट। तो आपका आंसर देखिए क्या होगा? माइनस। सबसे पहले a1 a2 उसके साथ बाउंड्री c1 c2 और फिर a1 a2 और उसमें डिवाइड क्या कर देंगे? b1 b2। ये दोनों डिटरमिनेंट डिवाइड कर देंगे। तो इसको याद रखने का तरीका, वैल्यू ऑफ कॉमन रूट a1 a2 c1 c2 और फिर a1 a2 b1 b2, दोनों के डिटरमिनेंट को डिवाइड करके माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कॉमन रूट की वैल्यू मिल जाएगी। ये दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं। कौन सा रिजल्ट बेला? बोलो। दूसरा वाला सर। ये रहा ना वैल्यू ऑफ कॉमन रूट, क्या था? अल्फा ही तो था। a1 a2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 विद अ माइनस साइन, दिखा क्या? और ये कंडीशन हो गई वन कॉमन रूट की। बोलिए भाई, क्या तरीका पढ़ा है हमने? सबसे पहले a कॉमन रूट का मतलब कितने रूट कॉमन? वन। सही है। तो सबसे पहले दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। तो ये आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस a इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 2a इक्वल टू जीरो। सबसे पहले आप दोनों इक्वेशन लिख लेंगे। अब आपको सारे कोफिशिएंट मिल रहे हैं कि नहीं? a1 a2 भी मिल गया, b1 b2 भी मिल गया, c1 c2 भी मिल गया। अब सीधा कंडीशन लगाओ। कंडीशन क्या होगी? बोलो। a1 a2 c1 c2 इसका स्क्वायर, बोलिए भाई, इज इक्वल्स टू a1 a2 b1 b2 इसके बाद b1 b2 हाँ या ना, और c1 c2। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ये बोलो। अब यहाँ पे आएगा 2a माइनस a और इसका स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस 14 प्लस 11, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस 22a प्लस 14a। बोलते जाइएगा भाई। यहाँ से क्या a स्क्वायर आएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा? बोलो। 3 और 8 24a। तो यहाँ से a कॉमन करोगे, अंदर क्या बचेगा? a माइनस 24 इक्वल टू जीरो। तो आंसर क्या आएगा? या तो a की वैल्यू जीरो हो जाए या a की वैल्यू क्या हो जाए? 24। तो इक्वेशन में एक रूट कॉमन आ जाएगा। क्या ये प्रोसेस सबको समझ में आया भाई? यस सर। चलिए, तो क्या काम करोगे सबसे पहले? बोलो। सबसे पहले कॉमन रूट निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो बताओ, वो कॉमन रूट अल्फा है तो अल्फा की वैल्यू कैसे निकालते? बोलो। माइनस a1 a2 c1 c2 अल्फा इक्वल टू माइनस a1 a2 c1 c2 अपॉन
A1 A2 B1 B1 B2 तो क्या आएगा बोलो, माइनस बी माइनस सी अपॉन सी माइनस बी, तो क्या वन आ रहा है क्या? यस यस, तो कॉमन रूट की वैल्यू तो वन आ गई, बोलो भाई दोनों में एक रूट कॉमन आ गया और वो कितना हो गया वन। अच्छा अब ऐसे समझो कि भाई इसमें रूट क्या थे, अल्फा और बीटा थे, इसमें रूट क्या थे, अल्फा और गामा थे, तो अल्फा बीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, सी के, और अल्फा और गामा की वैल्यू किसके बराबर होगी, बी के। अगर अल्फा की वैल्यू वन है तो बीटा कितना होगा, सी, और गामा कितना होगा, बी। तो अनकॉमन रूट की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, बी और सी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी आएगी बताओ, बोलो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू जीरो, क्या यही रिजल्ट होगा बोलो। अरे हाँ सर, लास्ट स्टेप समझा दीजिए। यस सर। भाई हमें अनकॉमन रूट निकालना था, तो अनकॉमन रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू ही तो रखेंगे बोलो, तो हमें या तो सम ऑफ रूट निकालने से अनकॉमन रूट मिल जाएगा या प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने से। हमने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात की, तो अल्फा बीटा जो है वो सी के बराबर होता है, अल्फा वन है तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, सी। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा गामा करेंगे तो बी के बराबर होगा, तो गामा की वैल्यू क्या आ गई, बी। दिखा कि नहीं ये बताओ, क्या ये बात दिखी सबको, बोलो। यस सर, यस सर। अच्छा वन जो है कॉमन रूट था, तो वन इक्वेशन को क्या करेगा, सैटिस्फाई। इसका मतलब वन प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा, भाई वन इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करेगा तो वन प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा, जीरो के। जीरो। तो बी प्लस सी किसके बराबर आएगा, माइनस वन के। तो ये उठा के यहाँ रख दोगे तो इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी सी इक्वल टू जीरो, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए, प्रोसीड कर सकते थे। आप क्या कहते हैं कि भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी माइनस वन, आया ना। ऐसे ही अल्फा प्लस डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, माइनस सी, तो गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस सी माइनस वन। अच्छा वन प्लस बी प्लस सी किसके बराबर दिया हुआ है, जीरो के। अरे बोलो यार, दिया है कि नहीं भाई। yes. तो माइनस वन माइनस बी किसके बराबर होगा, वन प्लस बी माइनस सी के बराबर हो जाएगा, तो क्या हम इसको सी लिख सकते हैं, और वन प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बी के, तो क्या हम इसको बी लिख सकते हैं। तब भी देखिए सेम आंसर आ गया कि नहीं, बोलो भाई, क्या ये बात समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि वन अगर कॉमन रूट है तो वन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना, बोलो। यस सर। यस, तो ये वन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से हमने ये रिजल्ट निकाल लिया। क्या ये रिजल्ट कहां से आया है, बात समझ में आ रही है सबको, बोलो भाई। यस, उसी के हेल्प से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंप्लीफाई होके आ जाएगी। तो जब भी आपको अनकॉमन रूट निकालना होगा तो आप क्या करोगे, सम ऑफ रूट का यूज करोगे या प्रोडक्ट ऑफ रूट का। यस सर। Yes, तो यानी कि ये रूट्स इरेशनल है क्योंकि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और सारे कोफिशिएंट कैसे हैं, रेशनल। तो इसका मतलब इसके रूट्स इरेशनल होंगे और वो भी कंजुगेट की फॉर्म में होंगे। अब बताओ अगर एक रूट पी प्लस रूट की होगा तो दूसरा रूट डेफिनेटली क्या होगा, पी माइनस रूट। आप सोच के बताओ अगर इसका एक रूट कॉमन होगा तो दूसरा रूट भी कॉमन होगा ना, क्योंकि इरेशनल रूट हमेशा पेयर में ऑकर करेंगे। अगर किसी इक्वेशन का एक रूट पी प्लस रूट क्यू होगा तो उस इक्वेशन का दूसरा रूट पी माइनस रूट क्यू होगा कि नहीं, अगर उसके सारे कोफिशिएंट रेशनल नंबर है। ये तो आपने पढ़ा है ना, अगर ए बी सी सारे नंबर रेशनल हैं और एक रूट पी प्लस रूट क्यू है तो दूसरा रूट साइमल्टेनियसली क्या होगा, पी माइनस रूट क्यू। अब इसके रूट्स इरेशनल हैं और वो भी इस फॉर्म में, और एक रूट कॉमन है, तो यानी एक रूट नहीं कितने रूट कॉमन है, टू रूट्स।
कहा एक ही रूट कॉमन गया, बट इरेशनल होने की वजह से, क्योंकि इसके रूट सर्टेनली इरेशनल हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें a2 b2 c2 की वैल्यू पता है, उसके हिसाब से हम इसका d निकाल सकते हैं, और इसका d परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब रूट्स इरेशनल हैं, सारे कोफिशेंट रेशनल हैं, तो इसका मतलब रूट्स p प्लस माइनस रूट q की फॉर्म में हैं, इसका मतलब अगर एक रूट कॉमन है तो दूसरा रूट भी कॉमन है, इसका मतलब एक रूट नहीं कितने रूट कॉमन है भाई, बोलो दो, इसका मतलब बोथ रूट्स आर कॉमन। क्या ये बात समझ पाए कैसे ऑब्जर्व हुआ? और अगर बोथ रूट कॉमन है तो a बाई वन, b बाई थ्री और c बाई माइनस सेवन सेम रेशियो में होगा कि नहीं, बोलो a1 वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू होगा कि नहीं, हाँ या ना बोलो। तो क्या हम b को 3a और c को माइनस सेवन लिख सकते हैं? आप बताओ आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी, a प्लस बी प्लस सी अपॉन a माइनस बी प्लस सी, निकाल सकते हो कि नहीं? अरे हाँ या ना में जवाब दे दो भाई, बोलिए आंसर क्या आएगा बताओ। बोलिए भाई क्या आंसर आएगा सर? वन बाई थ्री, थ्री ए बाई नाइन ए। यस सर, तो माइनस थ्री ए बाई माइनस नाइन ए। यस, इसका मतलब आंसर वन बाई थ्री आ रहा है, बोलो। तो ये प्रोसेस समझ में आया कि इसमें एक रूट नहीं दोनों रूट कॉमन है? क्या ये कहानी सबको समझ में आई बताओ? Yes. इसमें भी सेम बात कही गई कि नहीं कि भाई ax square plus bx plus c equal to zero और 2x square plus 2x plus 5 equal to zero, इसमें क्या है a root in common, जबकि इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, सही है, इसका मतलब इसके बोथ रूट्स कैसे हैं, नॉन रियल, और वो भी किस फॉर्म में है, पी प्लस माइनस आई क्यू फॉर्म में, तो इसका मतलब वन रूट नहीं कितने रूट कॉमन होंगे, बोथ रूट्स आर कॉमन, और अगर दोनों रूट कॉमन है तो कंडीशन क्या लगेगी, ए बाई टू इक्वल टू बी बाई टू इक्वल टू सी बाई फाइव, तो अब बी को क्या लिख सकते हो ए, और सी को क्या लिख सकते हो फाइव बाई टू ए, क्या बोलो? यही सब्स्टिट्यूट करके ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए माइनस बी प्लस सी बता दीजिए, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए माइनस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, बोलो, बोलिए भाई। कितना आ रहा है आंसर? नाइन बाय फाइव। तो अब इस तरह के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए? देखिए कई बार कैलकुलेशन कैसे रिड्यूस होते हैं उसकी बात मैं करूंगा। आप भाई एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, अगर इसके रूट अल्फा और बीटा हैं तो इस बात से आप क्या समझते हैं? एक इन्फॉर्मेशन तो आपको ये मिलती है, और दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या आपको ये मिलती है, हाँ या ना? Yes. ऐसे अगर एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इक्वल टू जीरो के रूट गामा और डेल्टा है, एक इन्फॉर्मेशन तो आपको ये मिलती है और एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है ये, क्या ये दोनों इन्फॉर्मेशन सबको समझ में आती है ये बताओ, बोलिए भाई। यस सर। अच्छा अब जो आपको प्रोडक्ट निकालना है वो क्या है ध्यान से देखिएगा, अल्फा माइनस गामा एंड गामा माइनस डेल्टा,
हाँ भाई जो प्रोडक्ट दिया है वो क्या दिया है जरा उस पर दिमाग लगाइए थोड़ा सा। अरे इतने में तो मल्टीप्लाई कर देते यार तुम लोग भाई, अल्फा माइनस गामा इंटू अल्फा माइनस डेल्टा, फिर बीटा माइनस गामा इंटू बीटा माइनस डेल्टा, सही है। तो एक तरीका तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने वाला है, मेथड वन जिसको हम यूज करना अवॉइड करेंगे, फिर भी हम एक बार आपको बता रहे हैं। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल्टा इंटू अल्फा प्लस गामा डेल्टा, बोलो भाई, और बीटा स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल्टा इंटू बीटा प्लस गामा डेल्टा, फिर हम ये वैल्यू रख देंगे, हाँ या ना। बोलो भाई क्या ये समझ में आया कहाँ से आएगा, बोलिए। ये तो आपको पता था ना, यस सर है, और ये आपको पता था माइनस है एस है, ये दोनों उठा के रख दिया। क्या ये बात समझे कि नहीं? अब देखिए हम इसी कैलकुलेशन को अवॉइड करते हैं, हम डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हैं, कौन सा, ये वाला। कैसे, हमें पता है ना एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस किसके बराबर है, एक्स माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा। यहाँ पे एक्स की जगह क्या रखा है बोलो, यहाँ पे एक्स की जगह क्या, अल्फा, और यहाँ पे एक्स की जगह क्या रख दिया है, बीटा। एक बार इसमें एक्स की जगह क्या रख दो, अल्फा, दिखा, और एक बार इसमें एक्स की जगह क्या रख दो, बीटा। बीटा क्या है, मेरी बात और ऑब्जर्वेशन समझे। ये एक ऑब्जर्वेशन है जो कई बार आपके कैलकुलेशन को रिड्यूस करता है इस तरह के प्रोडक्ट को देखने से, क्योंकि ये वही टाइप के टर्म है ना भाई, गामा गामा यहाँ कॉमन आ रहा है और बीटा डेल्टा डेल्टा वहाँ कॉमन आ रहा है, तो उसी हिसाब से हमने ये चीज़ सोच ली है, समझे कि नहीं भाई। ये दोनों रूट और ये दोनों रूट के हिसाब से ही तो चल रहा था, एक बार एक्स को ही वेरी कराया है, एक बार एक्स को अल्फा रख दिया है तब प्रोडक्ट बना दिया है, और एक बार एक्स को बीटा रख दिया तब प्रोडक्ट बना दिया है। तो बस हमें यही वाला शॉर्टकट सीखना था, इसलिए इस क्वेश्चन में इतना स्ट्रेस दिया मैंने। समझ में आया कि नहीं भाई, मेथड टू क्या हुआ बोलो, इसमें एक बार एक्स को क्या पुट कर दिया, अल्फा, तो अल्फा माइनस डेल्टा इंटू अल्फा माइनस, इसका प्रोडक्ट क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस आर अल्फा प्लस एस, नहीं समझे, और एक बार क्या रख दिया यहाँ पे, बीटा, बीटा, तो बीटा माइनस गामा एंड बीटा माइनस डेल्टा, ये क्या आ गया, बीटा स्क्वायर प्लस आर बीटा प्लस एस, यही प्रोडक्ट मुझे सिंप्लीफाई करना था। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए, हाँ या ना। क्या यहाँ तक हम समझ गए, बोलो भाई, बोलो, कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ, क्लियर, यहाँ तक एकदम क्लियर है, बोलो, यस। अब चलो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली हम यहाँ तक आ जाएंगे। तो अभी हमने प्रोडक्ट का पहला स्टेप कंप्लीट किया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस आर अल्फा प्लस एस बीटा स्क्वायर प्लस आर बीटा प्लस एस, यहाँ तक हम पहुँच गए। अभी भी यार सोचो अगर हम कैलकुलेशन ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दें तो अभी बहुत सारे टर्म्स आएंगे और कैलकुलेशन हैंडल करना थोड़ा टफ रहेगा, हाँ या ना। अब बताओ अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं, अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, बोलो, अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, माइनस क्यू माइनस, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू माइनस पी अल्फा प्लस क्यू होगी, बीटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस पी बीटा प्लस क्यू होगी कि नहीं। तो हम इसको मल्टीप्लाई करने से पहले अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं, क्या माइनस पी अल्फा माइनस क्यू, सही है। तो स्क्वायर वाले टर्म्स हमारे सिस्टम से हट जाएंगे और कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो, बोलिए भाई। अब टर्म्स क्या आएंगे, बोलो, अल्फा कॉमन करोगे तो आर माइनस पी,
प्लस एस माइनस क्यू। बोलिए यहां से बीटा कॉमन करोगे तो आर माइनस पी और प्लस एस माइनस क्यू। बोलिए अब ध्यान से देखो, ये 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 और ये सेम टाइप के टर्म आ गए कि नहीं आ गए, तो कैलकुलेशन आसान हो गया कि नहीं हो गया बोलो। अब आ गया अल्फा बीटा आर माइनस पी का होल स्क्वायर एस माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू आर माइनस पी इंटू एस माइनस क्यू। बोलो भाई कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। क्या यहां तक सबको सबको समझ में आ रहा है ये बताओ भाई। नाउ व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? माइनस पी। एंड व्हाट इज अल्फा बीटा? क्यू। तो अल्फा बीटा की जगह क्या रखेंगे? क्यू। और अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख देंगे? बोलिए भाई। अच्छा अब s माइनस क्यू का होल स्क्वायर अलग कर लो। क्या इन दोनों से एक r माइनस पी कॉमन आ रहा है? हाँ या ना बताओ। Yes. और अंदर क्या बचेगा? क्यू आर माइनस पी क्यू और माइनस पी एस प्लस पी क्यू। तो पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो गया, तो ये s माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस r माइनस पी इंटू क्यू आर माइनस पी एस आ गया। बोलो भाई ये प्रोडक्ट की यही वैल्यू आएगी। समझ में आया कि नहीं? तो प्रोडक्ट को कैसे कैसे सिंप्लीफाई किया गया समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो। भाई अल्फा बीटा और गामा डेल्टा है तो कोई एक रूट बराबर हो जाए, या तो अल्फा बराबर हो जाए किसके? डेल्टा के। या अल्फा बराबर हो जाए किसके? गामा के। या फिर बीटा बराबर हो जाए किसके? डेल्टा के। और गामा बराबर हो जाए किसके? बीटा के। एटलीस्ट कोई एक रूट का सेट बराबर हो जाए बस। हाँ या ना जवाब दो भाई। यस। सपोज अल्फा जो है वो डेल्टा के बराबर हो गया, तो अल्फा माइनस डेल्टा की वैल्यू कितनी हो गई? जीरो। प्रोडक्ट कितना हो गया? जीरो। जीरो मतलब ये प्रोडक्ट अगर जीरो हो गया तो कॉमन रूट की कंडीशन क्या हो गई? बोलो भाई। यही तो हो गई, एस माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस आर माइनस पी इंटू क्यू आर माइनस पी एस इक्वल टू जीरो। बोलो भाई क्या ये समझ पाए? अगर हमने इतना कैलकुलेशन कर दिया है तो कंडीशन ऑफ कॉमन रूट हम सीधा यही लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि अगर कोई भी एक रूट कॉमन हुआ तो ये प्रोडक्ट हमेशा जीरो आएगा। सोचो क्यों भाई, या तो अल्फा इसके बराबर हो जाएगा, या अल्फा इसके बराबर हो जाएगा, या बीटा इसके बराबर हो जाएगा, या बीटा इसके बराबर हो जाएगा। तो इन चार में से कोई एक टर्म हमेशा क्या आ जाएगा? जीरो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर कॉमन रूट की बात की जा रही है तो ये प्रोडक्ट हमेशा जीरो आएगा, इसका मतलब ये वैल्यू भी जीरो आएगी। दैट इज कंडीशन फॉर कॉमन रूट। सही है? बोलिए भाई। अच्छा कॉमन रूट की कंडीशन को सॉल्व करने का एक वे आपने और सीखा है, कौन सा? दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के, याद आ रहा है कि नहीं? आर एक्स प्लस एस। तो इसमें कंडीशन कैसे लिखते हो बताओ? कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट कैसे लिखते हो जल्दी बोलो भाई। वन वन क्यू एस। यस सर। इसका होल स्क्वायर आगे वन इन इसको मल्टीप्लाई करते हो तो एस माइनस क्यू का होल स्क्वायर आ जाता है, यहाँ करते हो तो आर माइनस पी आ जाता है, और यहाँ करते हो तो क्या आ जाता है? पी एस माइनस क्यू आर। बोलिए भाई
तो इसको सबको एक तरफ ले आओ, तो s माइनस क्यू का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस पी पी एस माइनस क्यू आर इक्वल टू जीरो, इससे माइनस कॉमन कर लो, s माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस आर माइनस पी इंटू क्यू आर माइनस पी एस इक्वल टू जीरो, यही तो कंडीशन ऑफ कॉमन रूट आएगी। देखो क्या यही कंडीशन ये आ रही है? जी सर। हाँ या ना में जवाब दो भाई। यस यस। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में बहुत